कई बार तो ये वजन ज्यादा भी हो जाता है, ओवरवेट बच्चा भी हो जाता है, लेकिन कई कंडीशन में अगर 3 किलोग्राम तक का बच्चा भी आपके जैसे जैसे प्रेगनेंसी के महीने बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही आपके गर्भ में शिशु बढ़ता रहता है, उसका वजन बढ़ता रहता है, उसका आकार बढ़ता रहता है। लेकिन कई महिलाओं की प्रेगनेंसी का जब 8वां महीना चल रहा होता है या फिर 9वें महीने में प्रवेश करने वाली होती है, तो इस दौरान तक भी गर्भ में शिशु का विकास अच्छे से नहीं हो रहा होता है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा होता है, जो कि आपको सोनोग्राफी की रिपोर्ट में अच्छे से पता चल जाता है, जहां पे बच्चे का वेट स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। तो अगर आपके बच्चे का वजन 9वें महीने तक आते आते 2.6 किलोग्राम यानी कि 2 किलो 600 ग्राम तक नहीं हुआ है, तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं ये बतलाती है कि आपके गर्भ में शिशु का वजन अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, उसका विकास अच्छा नहीं हुआ है। हालांकि जब डिलीवरी हो रही हो, यानी कि आपके 36 से लेकर 40वें हफ्ते के बीच में, जबकि 9वां महीना लगता है, इस दौरान तक आपके गर्भ में शिशु का वजन 2 किलोग्राम 600 से लेके 3.5 किलोग्राम तक हो जाना चाहिए इन 4 हफ्तों में, यानी कि 9वें महीने में। कई बार तो ये वजन ज्यादा भी हो जाता है, ओवरवेट बच्चा भी हो जाता है, लेकिन कई कंडीशन में अगर 3 किलोग्राम तक का बच्चा भी आपके डिलीवरी के समय रहता है, तो ये भी नॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन इससे कम अगर बच्चे का वेट होता है, तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं बच्चे के लिए खराब हो सकती है। तो ये तो आपको पता चल गया कि स्टैंडर्ड जो वेट डिलीवरी के समय होता है बच्चे का, वो 3.5 किलो का होता है, जिसमें बच्चा हेल्दी और फिट होता है। लेकिन बहुत सारी माएं इस बात से परेशान है कि 9वां महीना लगने वाला है, पहले प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं देती और 9वें महीने में चिंता करती है कि कहीं मेरा बच्चा कम वेट का तो नहीं हो जाएगा। तो 9वें महीने में आखिर ऐसा क्या खाएं जिससे कि बच्चे का वजन धीरे धीरे इस महीने में बढ़ जाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि क्या क्या आपको इस दौरान खाना है। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी का शुरुआती दौर जब होता है, इस दौरान से ही आपको कहा जाता है कि घर का बना हुआ ताजा खाना खाओ, साग सब्जियां खाओ, फल खाओ, नॉन वेजिटेरियन हो तो आप नॉन वेज खा सकते हो। तो सबसे पहली चीज, आप इस दौरान अंडे का सेवन कर सकती हैं। अंडा जो है आपके बच्चे के विकास के लिए, उसका वजन बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, एगिटेरियन नहीं है, तो आप इस दौरान दूध, दही, टोफू और पनीर का सेवन करिए। पनीर से और छाछ इत्यादि अगर आप पीते हैं, तो इससे भी आपके बच्चे का वजन काफी अच्छे से बढ़ता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में होता है। तो आपको इन सभी चीजों का सेवन इस दौरान जरूर करना है, और वो भी अच्छी मात्रा में करना है। दूसरा, आपको फलों का सेवन और फलों का जूस आपको इस दौरान जरूर पीना चाहिए। इस दौरान आपके लिए स्ट्रॉबेरी, कीवी, तरबूज, केला, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इनमें तो विटामिन सी, डाइट्री फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे के लिए ब्लड का सप्लाई काफी अच्छे तरीके से होता है, बच्चे में आयरन की कमी भी नहीं होती है, और बच्चे को पोषक तत्व काफी अच्छी मात्रा में पहुंचते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो ऐसे में बच्चे का विकास जो है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो आपको इस दौरान फलों का सेवन करना है, विटामिन सी युक्त और फाइबर युक्त, विटामिन ई युक्त फलों का सेवन आपको इस दौरान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा तीसरी चीज दोस्तों, अगर आप अभी तक प्रॉपरली भोजन नहीं कर रही थी, अच्छे से दाल सब्जियां नहीं खा रही थी, तो ये भी काफी बड़ा रीजन होता है कि आपके घर में शिशु कहीं ना कहीं कम वजन का रह जाए। तो इसलिए आपको इस दौरान दालों का सेवन प्रॉपर रूप से करना है। ऐसे में आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है, क्योंकि दालों में प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में होता है। तो आप इस दौरान राजमा खाइए, छोले खाइए, काबली चने खाइए, हरी मूंग की दाल जो कि साबुत होती है, इवन सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको दालों का सेवन इस दौरान प्रॉपरली रखना है, लगातार करते रहना है। साथ ही साबुत अनाज में आप दलिया खाइए, ओट्स खाइए, मकई खाइए, तो ये सारी चीजें भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, बच्चे को बहुत अच्छे से पोषक तत्वों की सप्लाई करती है। इसके अलावा सब्जियां, जिसमें कि विटामिन्स भी काफी अच्छी मात्रा में होते हैं, इनका भी आपको प्रॉपरली सेवन करना है। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां आप जरूर खाइए इस दौरान, बीन्स खाइए, सीजनेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी होती हैं, उनका आपको अच्छे से सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे को अच्छे से विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि मिले, जो कि बच्चे की हड्डियों और मांसपेशियों के लिए, बच्चे के दांतों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। वेजिटेबल सूप्स और फ्रूट जूस आपको इस दौरान जरूर लेना है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, दूध, दही, छाछ इत्यादि का सेवन जरूर करिए, इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। और ध्यान रखिए चौथी चीज दोस्तों, इस दौरान आपको पानी का सेवन नियमित तौर पर 8 से लेकर 10 ग्लास तक जरूर करना चाहिए। आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी, तो आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा। एमनियोटिक फ्लूइड अगर आपके शरीर में कम रहेगा, तो आपका बच्चा अच्छे से नहीं बन पाता है, और बच्चे का विकास नहीं हो पाता है, और वजन भी नहीं बढ़ पाता है। और ध्यान रखिए कि आपको नींद प्रॉपर लेनी है, 8 से लेकर 9 घंटे की नींद आप जरूर लीजिए, और सुबह शाम की वॉक आपको जरूर करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको जरूर करनी है, तो आपके घर में शिशु का वजन बढ़ने लगेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।